हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी, योर साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। आज का जो सेशन है उसमें हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ओके। तो ये आपका चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, ओके। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कांसेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो, आपको 1 टू 20 के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से 30 तक के याद है तो नो प्रॉब्लम, पर 1 से 20 तक के तो याद होने ही चाहिए, ओके। और जो इसका रूल है वो ये कहता है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर को कैसे चेक करते हैं। किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हिंदी में कहें कि कोई भी नंबर अगर पूर्ण वर्ग है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर्स जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 जो होता है वो 2 × 2, मतलब इसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। उसी तरह हमारा 16 है, 16 क्या होता है, 4 × 4, मतलब कि ये 4 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 लूंगा तो 4 आएगा। तो कोई भी नंबर जो कि दो सेम नंबर्स का मल्टीपल है, दो सेम नंबर का प्रोडक्ट है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या क्या होते हैं, उनके लास्ट यूनिट डिजिट को देख के आपको पहचानना है, ठीक है। तो ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा कैसे एंड होंगे, कहां पर एंड होंगे, उनका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, या तो वो 0 पे एंड होगा। किस पे एंड होगा, 0। और 0 कैसे, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ओके, इवन नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 8100, ओके, जैसे 40000, तो 2 0 4 0 6 0, इस तरह से इवन नंबर ऑफ जीरोस पे अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट में उसके यूनिट डिजिट नंबर 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कोई भी नंबर अगर इन नंबर्स पे एंड हो रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरोस यानी कि सम संख्या में 0, या तो नंबर के लास्ट में 2 0 हो, 4 0 हो, 6 0 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। या तो 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे एंड हो तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब नंबर, इन नंबर के अलावा जितने भी नंबर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान रखना आपको नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए किसी भी एक नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 पे, ठीक है, वो 2 पे, 3 पे, 7 पे, 8 पे, और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस इस पे एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 272, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 122, 123, 442, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ऑड नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब, जैसे आपने यहां देखा था यहां इवन नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8100, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके लास्ट में 2 0 आ रहे हैं और हम चेक भी कर सकते हैं 90 का स्क्वायर है, ओके। अगर इसमें एक भी नंबर इंक्रीज हो जाए, एक जीरो इंक्रीज हो जाए,
अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसके लास्ट में तीन जीरोस आ रहे हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर के आखिरी में 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और जिसके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये पहचान होती है एक परफेक्ट स्क्वायर की और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ओके, तो होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं। ओके, अब जैसे 8100 को हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमें पता है कि इसके लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब ये किसका स्क्वायर है ये हमें पता करना है, तो इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, वैसे तो तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या कहता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप आराम से निकाल सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर करके। अगर प्राइम फैक्टर में दो दो के पेयर बनते हैं तो ये नंबर आराम से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको। दूसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन यानी कि भाग विधि, इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसे कहते हैं भाग विधि, भाग लगा रहा है इस तरह से। ओके, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा मेथड है आपका, यहां पर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्रिडिक्शन मेथड, इसे कहते हैं प्रिडिक्शन मेथड। तो प्रिडिक्शन में क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें दो आंसर आते हैं, ना तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन करते हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं लास्ट डिजिट देख के और फर्स्ट डिजिट जो पहले दो पेयर है उनको देख के। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं आपको। ठीक है, ये नंबर जो है किस नंबर से जा रहा है, प्राइम नंबर में ये आपको पता है 3 से जा रहा है, तो 3 से ये कितनी बार जाएगा, 2700 टाइम्स जाएगा। फिर ये 3 से 900 टाइम्स जाएगा। फिर ये 3 से 300 टाइम्स जाएगा। फिर ये 3 से 100 टाइम्स जाएगा। अब देखो 3 से तो जाएगा, इधर 2 से जाएगा ये 50 टाइम्स। फिर ये 5 से 10 टाइम्स जाएगा। फिर ये 5 से 2 टाइम्स जाएगा और लास्ट में आएगा 2 2 1 2। तो ये मैंने आपको प्राइम फैक्टर करके बता दिया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। अब मैं सारे फैक्टर्स को लिख दूंगा 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, कितने 1 2 3 4 3 हो गए, 2 आपके 2 के पेयर हैं और 2 आपके 5 के पेयर हैं। अब आपको पेयर बनाने हैं। अगर दो दो के कंप्लीट पेयर बनते हैं, किसी भी नंबर के दो दो के कंप्लीट पेयर बन रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब एक एक नंबर हर से ले लो, यहां से 3 ले लो, इस पेयर से 3 ले लो, यहां से 3 ले लिया, यहां से 3 ले लिया, यहां से आपको 2 ले लेना है और यहां से आपको 5 ले लेना है। हर पेयर में से एक एक नंबर उठा लो। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 5 10, 9 10 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो 90 इज द आंसर। 90 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब कि 8100 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 90 आ जाएगा। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। तो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा, हम पेयर बनाएंगे 8100 पीछे से पेयर बनेंगे, दो नंबर दो नंबर, दो के पेयर बन गए। ठीक है, दो के पेयर बना लेने हैं आपको। ओके, ऊपर से विजिबल नहीं है, सॉरी, मैं नीचे रख देता हूं आपके लिए यहां पर। ठीक है, दो के पेयर बना लेते हैं 8100। दो के पेयर बनेंगे पीछे से बनेंगे, ध्यान रखना हमेशा पेयर कहां से बनते हैं, पीछे से आपको बनाने हैं। दो दो के पेयर बन गए। अब आपको यहां लॉन्ग डिवीजन का साइन लगा लेना है। लॉन्ग डिवीजन का साइन लगा लिया आपने, अब आपको क्या करना है, यहां पर डिवाइड करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे करेंगे, देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ठीक है, तो यहां पर 9 लिखिए। जरूरी नहीं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही हो पहला, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस नंबर के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 82 होता तो मैं भी यहां पर 9 ही लिखता, क्योंकि 82 के नियरेस्ट कौन है, 81 है। अगर यहां 85 भी होता तो भी मैं 81 ही लेता, क्योंकि 85 के नियरेस्ट कौन है, 81 है, तो यहां 9 लेता। अभी यहां 81 आ रहा था, मैंने 9 ले लिया, तो
9 into 9, 9 is 81. ओके, जितना आपने मल्टीप्लाई किया है उतना ही ऐड कर लो। जितना आप जो नंबर यहां लिखा है वो नंबर यहां लिखना है और वो नंबर यहां प्लस भी करना है, ध्यान रखना। तो 9 9 81, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 00 हो गया, पूरा पेयर उतार लो 00। 99 कितने हो गए, 18 हो गए। अब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 00 आ जाए, तो वो फाइनली आपको पता है 0 ही होता है। तो यहां पर मैंने 0 लिखा, जो नंबर यहां लिखूंगा वो नंबर यहां लिखूंगा। 180 को 0 से करो कितना आ जाता है, डिवीजन खत्म, आंसर क्या आ गया, 90। रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए। अभी तो चलो ये परफेक्ट स्क्वायर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 8100। अभी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें पहला नंबर, पहले जो पेयर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, वो भी मैं आपको करके बताता हूं अभी। तो ये आपका हो गया एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर मुझे प्रेडिक्ट करना होता, प्रेडिक्शन मेथड, प्रेडिक्शन मेथड क्या कहता है, लास्ट देख लो, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, बिकॉज़ लास्ट में 0 है। अब इस पेयर को हटा दो, इस पेयर की बात खत्म हो गई। अब इस पेयर को देखो, ये किसका स्क्वायर है, 9 का, दिस इज द 90 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन मेथड से विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 441 का लॉन्ग डिवीजन, चलो मैं लॉन्ग डिवीजन से करके बताता हूं आपको। 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट है, वो आपको निकालना है। पीछे से पेयर बनाना है, देखो पीछे से दो पेयर, हमेशा पेयरिंग पीछे से करोगे, दो नंबर पेयर बन गया, बचा कितना था, एक बचा था, तो एक का पेयर बन गया। 4 किसका है, चलो 4 यहां परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया। 4 आपको पता है 2 का होता है, 2 2 4, जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड कर दो, 4 0 हो गया, पूरा पेयर उतार लो, 41 हो गया। 2 2 का कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 41 आ जाए, तो 1 से करेंगे, यहां पर लिखेंगे 41 1 41, डिवाइड करता 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब प्रेडिक्शन मेथड से कैसे करता मैं, कैसे मैं प्रेडिक्ट करता, तो प्रेडिक्शन से भी देख लीजिए कि कैसे मैं प्रेडिक्ट करता। तो 441 ये दो पेयर बना लिए मैंने, ठीक है, लास्ट डिजिट देखो, इस पेयर का आखिरी डिजिट देखना है, आखिरी डिजिट में 1 आ रहा है, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है वो देख लो। 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है 81। तो या तो इसके आखिरी में इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके आखिरी में या तो 1 होगा या 9 होगा। तो या तो नंबर 1 से एंड होगा या नंबर 9 से एंड होगा। अब आपको पता करना है इसका 10th डिजिट, मतलब कि पहला नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर तो पता चल गया। और हमेशा ध्यान रखना, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर आएंगे। यहां दो नंबर बने, दो पेयर बने, देखो दो पेयर बने, तो स्क्वायर रूट 2 डिजिट का होगा। स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का, बिकॉज़ दो पेयर बने हैं। पीछे से देखो, दो पेयर बन गए। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो या तो आंसर 21 होगा या 29 होगा। तो ये प्रेडिक्शन मेथड है, हम क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करते हैं, या तो नंबर 21 का हो सकता है, 29 का हो सकता है। तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अगर 21 का निकल गया तो वो किसी का होगा, 29 का नहीं होगा। हमने लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लिया, लॉन्ग डिवीजन से एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, नो प्रॉब्लम। चलो एक और नंबर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिवीजन ही देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो लॉन्ग डिवीजन अपन अच्छी तरह से देखते हैं। 1024 इसका लॉन्ग डिवीजन से आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो दो पेयर बना लो, 24 और 10। अब देखो, पहला जो पेयर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 नहीं है, पर 10 के नियरेस्ट नंबर कौन है, 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो मैं यहां 3 लिखूंगा और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कितना होगा, 9 होगा। ओके, जितना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ऐड कर दो, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 10 में से 9 गए 1, ये पूरा पेयर उतर जाएगा 24। अब 6 के बाद में एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 124 आए, तो वो नंबर कैसे लिखते हैं, वो नंबर लिखते हैं इसके हिसाब से, जो भी आपका रिमाइंडर बचा है उसका आखिरी नंबर देख लो, 4। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा।
या तो मैं 2 लिखूंगा या 8 लिखूंगा। अभी मुझे पता है 2 लिखने पे काम चल जाएगा। 62 हो गया, 62 हो गया, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 124, 124 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 32 हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। प्रेडिक्शन मेथड से कैसे करते, प्रेडिक्शन से ऐसे करते, वैसे आपको लॉन्ग डिवीजन ही याद रखना है। अगर आपकी लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस है, प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप प्रेडिक्शन से भी कर सकते हो। 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 में आता है, दो पेयर बन गए, 4 यूनिट डिजिट है, या तो लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा, ये पेयर खत्म कर दो। 4 लास्ट में ना, 4 देखो, 4 किसके स्क्वायर में आता है, दो पेयर बने तो आंसर दो नंबर का ही होगा। कितने नंबर आएंगे, दो नंबर ही आएंगे स्क्वायर रूट में। तो यहां तो या तो 2 में एंड होगा या 8 में एंड होगा, वो नंबर या तो 2 में एंड होगा या 8 में एंड होगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 4 दो नंबर्स के आता है। इस पेयर को हटा दो, 10 किसके नियरेस्ट है, 3 के स्क्वायर के नियरेस्ट है 9 के, तो या तो आंसर 32 होगा या आंसर 38 होगा। अपन को पता है लॉन्ग डिवीजन से चेक कर लिया, 32 इज द आंसर। ओके, तो स्क्वायर में प्रेडिक्शन मेथड से आपको दो आंसर मिलते हैं, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। 32 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका स्क्वायर है या नहीं। या फिर लॉन्ग डिवीजन से आप एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ओके, तो आज अपन लॉन्ग डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉन्ग डिवीजन की मैं आपको और प्रैक्टिस दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।